बिजनौर खबर टीवी में आपके स्वागत है। आज बिजनौर पुलिस ने 25,000 के इनामी 3 शातिर चोरों को 31 मोबाइल फोन, 7 बैटरी, चोरी के तार, आभूषण व अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर का है, जहां स्वास्थ्य सर्विस लाइन टीम व थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अलग अलग जिलों के 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के 31 मोबाइल फोन, 7 बैटरी, एक एलईडी टीवी, बिजली के तार, सफेद व पीले धातु के जेवरात, 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 1 चाकू व 5 लोहे की राड बरामद हुई है। पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत में चांदपुर क्षेत्र में कई चोरियां हुई थी, जिसके अनावरण के लिए पुलिस पर भी काफी प्रेशर था। इसी क्रम में जो है स्वाट सर्विलांस की टीम, चांदपुर की टीम जो है, पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और उस टीम को आज सफलता मिली। 3 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें गुलजार पुत्र खुर्शीद, अजय सैनी, रामपाल, तो इसमें से चांदपुर कस्बे के रहने वाले हैं, एक अमरोहा का रहने वाला है। जिसमें गुलजार पुत्र खुर्शीद एक शातिर जो है चोर है, इसके विरुद्ध कोतवाली शहर में पूर्व से ही करीब 6 मुकदमे हैं और गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है और ये 25,000 रुपये का इनामी भी कोतवाली शहर से है। तो आज ये 3 बदमाश गिरफ्तार हुए, जिनके कब्जे से इसमें हम लोगों ने कुल 5 घटनाओं का अनावरण किया, जिसमें 2 चांदपुर की, एक मोबाइल चोरी और एक घर में चोरी हुई थी और 3 शिवाला कला की, जो मोटरों से तार निकाल करके चोरी कर लेते थे। इस प्रकार कुल 5 घटनाओं का अनावरण हुआ। इनके कब्जे से 31 मोबाइल, एक एलईडी, सफ़ेद और पीली धातु के जेवरात, मूर्ति और सिक्के, 7 बैटरी, बिजली के तार और 2 तमंचे, 1 चाकू और कुछ रॉड बरामद हुई हैं लोहे से, जिनसे ये तोड़ते थे शटर वगैरह को। इस प्रकार जो है 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। इनके कब्जे से काफ़ी सामान बरामद हुआ है और इनको गिरफ्तार करके हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं और इसमें विवेचना के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध जो है हम लोग आगे निरोधात्मक कार्रवाई के रूप में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे। अभी इसमें एक नाम और आया है, आपको नाम इसलिए हम एक्सपोज नहीं कर रहे हैं कि अगर जानकारी हो जाएगी तो भाग जाएगा, तो अभी एक का नाम और इसमें है जो है, जिसपे हम काम कर रहे हैं।